हेलो बच्चों, नीट की तैयारी कर रहे हो तो मेरी ये तीन से चार स्टेप मेरे फॉलो कर लो। फिजिक्स के केस में पहला, क्लासरूम नोट्स पढ़ना ही पढ़ना है, सारे सवाल करने ही करने हैं क्लासरूम नोट्स के, नहीं छोड़ने, वो नहीं छोड़ने हैं, क्लास छोड़ सकते हैं क्लासरूम नोट्स के सवाल नहीं। दूसरा, अगर क्लासरूम नोट्स में कंफ्यूजन है तो वीडियो लेक्चर देख लेंगे। वीडियो लेक्चर हमेशा मैं ऑप्शनल बता रहा हूं, तुम स्टार्टिंग से देखो क्योंकि 2 घंटे की क्लास है, मैं नहीं चाहता हर बच्चा करे। पहले क्लासरूम नोट्स अगर वो अच्छे से तैयार हो गए, बहुत बढ़िया बात है, जहां जहां कंफ्यूजन वीडियो लेक्चर। तीसरा, डीपीपीज, जो बच्चे डीपीपीज लगाना छोड़ दिए हैं, जय श्री राम, सिलेक्शन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, गारंटी नहीं है यहां से। जो बच्चे डीपीपीज लगा रहे हैं, डीपीपीज का वीडियो सोल्यूशन या डीपीपीज का वीडियो सोल्यूशन नहीं, वेट, जो बच्चे डीपीपीज लगा रहे हैं और उसमें कंफ्यूजन होता है तो डीपीपीज के नोट्स डाउनलोड करो, सोल्यूशन के वीडियो नहीं यार, वीडियो लास्ट ऑप्शन रखा करो, हर चीज का वीडियो नहीं, पहले उसके नोट्स डाउनलोड करो सोल्यूशन के, सबके पीडीएफ नोट्स हैं, वहां से पढ़ लो, वहां से सॉल्व हो गया सवाल, चलो ये बवाल भी खत्म। नहीं हो रहा तब जाके वीडियो सोल्यूशन किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का, ये नहीं बैठ के चलो पूरी डीपीपी का सोल्यूशन, ना ये गलत बात। ये तीन स्टेप हुए सबसे इंपॉर्टेंट, लेक्चर, जरूरत पड़ी तो वीडियोस, डीपीपी वेरी इंपॉर्टेंट, लेक्चर के सारे क्वेश्चन होने चाहिए, डीपीपी के सारे क्वेश्चन होने चाहिए, सारे स्किप नहीं करना है, सारे। अगर आप कह रहे हो कि आपको 44-45 सवाल करने हैं, 44, 43, 45 सवाल तक आप पहुंचना चाहते हो तो बेटा डीपीपी करनी पड़ेगी, छोड़ के काम नहीं बनेगा, डीपीपी छोड़ के जाओगे 35 सवाल होंगे, लगी ना दिल पे, छोड़ लेते ना बहुत दिल से, डीपीपी तो हार्ड है, डीपीपी तो ये है, डीपीपी में कॉन्सेप्चुअल सवाल दे देते हैं जो क्लासेस में हम कवर नहीं कर पाते उस तरह के सवाल, डीपीपी छोड़ के जाओगे 35 से 38 सवाल हो पाएंगे, लास्ट के 4-5-6 छूटने लगेंगे, 35 से ऊपर बढ़ने में दिक्कत होगी अगर डीपीपी नहीं लगाया है, रटे रटाई चीजें, डीपीपी से आपका दिमाग चलता है, डीपीपी लगाना है। और इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, टेस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, सारे टेस्ट देने हैं देने हैं देने हैं, टेस्ट से सीखना है, टेस्ट का वीडियो सोल्यूशन आया तो आया, वरना टेक्स्ट सोल्यूशन मिला, वरना बैठ के कॉन्सेप्ट, अरे यार तुमको टेस्ट का वीडियो सोल्यूशन नहीं देखना चाहिए, इतना समय नहीं है तुम्हारे पास, टेस्ट में ऐसे कोई बहुत हाई फाई रॉकेट साइंस सवाल आ ही नहीं रहा है जिसका वीडियो सोल्यूशन चाहिए हो, या तो आपकी कुछ मिस्टेक से गलत हो जाता है, या तो आपको वहां पे उस टाइम पे क्लिक नहीं करता है, बस इतना ही तो है, उसके ऊपर लगो, उन सवाल पे एनालाइज करो, उनके टेक्स्ट सोल्यूशन देखो, खत्म करो, बस टेक्स्ट सोल्यूशन देखा खत्म, टेस्ट में भी हम लोग रेलिवेंट क्वेश्चन ही दे रहे हैं, कोई भी टेस्ट नहीं छोड़ना है, बस बेटा इतना कर लिया, इसके बाद ना डायनेमिक एक्सरसाइज लगानी है, इसके बाद मैं ओपनली बोल रहा हूँ ना तुमको एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है, जितना मैं पढ़ाऊंगा, हो सकता है मैं बीच में कुछ एनसीईआरटी का मटेरियल लेके आऊंगा, मैं लाऊंगा तो पढ़ना है वरना नहीं पढ़ना, इसके सिवा तुम्हें एचसी वर्मा नहीं लगानी है, इसके सिवा तुमको अरिहंत की, डीसी पांडे की नीट ऑब्जेक्टिव नहीं लगानी है, इसके सिवा तुमको फिजिक्स में कुछ नहीं करना है, तुम्हें हम जितना मटेरियल दे रहे हैं उसको फॉलो करना है और टेस्ट को देना है। और अगर तुम्हारे पास समय बचता है, जबकि मैंने देखा टेलीग्राम ग्रुप पे बकवास, मुझे बड़ा बुरा लगा, सर लेक्चर हो गया, डीपीपी हो गई, अब मैं क्या करूं, फ्री हो गए, तू केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहा है, तू बायो नहीं पढ़ रहा है, तेरे को फिजिक्स में मजा आने लगा, तू फंस गया माया जाल में, तो केमिस्ट्री पढ़ो भाई, अगर ये सब हो जाता है तो दूसरी बुक लगाने से पहले केमिस्ट्री पढ़ो बेटा, बायो पढ़ो, हो गया सर वो भी कंप्लीट हो गया, रिवाइज करो सर वो भी हो गया, टेस्ट दो सर वो भी हो गया, फिर रिवाइज करो, जब तक ये मटेरियल तुम्हारा एग्जॉस्टिव तरह से तैयार नहीं हो तब तक दूर दूर के मटेरियल छूने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपके पास पुराने नोट्स हैं तो उसको पढ़ सकते हैं, कोई ऐसे नोट्स हैं जिसको आपने प्रीवियस ईयर अच्छे से पढ़ रखा है तो उसको जरूर पढ़े, वो हमेशा फायदा करेगा, कुछ आपके पास इन्फॉर्मेशन होती है, मैं उसको मना नहीं कर रहा हूँ, कुछ प्रीवियस नोट्स आपने बना रखे हैं आप उनको जरूर, उसमें कोई नहीं, पर आप बैठ जाओगे कि मैं इस बुक से सवाल कर लूँ, यहाँ से भी सवाल वहाँ से भी सवाल, तो बेटा आप फिर काम चोरी कर रहे हो, आप रिवीजन, मैं तुमसे बार बार बोलूंगा इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस फ्रॉम मेनी नंबर ऑफ बुक्स, सॉल्व क्वेश्चंस फ्रॉम ओनली वन पर्टिकुलर बुक, दैट इज द बुक इज मी फिजिक्स वाला राइट नाउ, जो आपको यहां से मिल रहा है मटेरियल, इसी को बार 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 लगाएंगे, इसी को बार 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 लगाएंगे, इसी को बार 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 बार, इसी को बार 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 लगाएंगे, ताकि ये सारे कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाएंगे, सवाल यहीं से आएगा, इधर उधर के यूट्यूब चैनल पे नहीं भटकेंगे, मेरे को व्यूज का लालच नहीं है, व्यूज मेरे पास बहुत आ जाते हैं, मेरे को तुम्हारे लिए डर है, इधर उधर चैनल पे नहीं भटकेंगे, हाई फाई कॉन्सेप्ट के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, रॉकेट साइंस चक्कर में नहीं पड़ेंगे, कोई आपको फंसाएगा, कोई आपको बाद में बताएगा कि बेटा इस तरह के सवाल, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसके मुंह पे मार दोगे कि सर ऐसे सवाल आते नहीं है, आप अपना वोकल टाइट करने के लिए सवाल करा रहे हो, बहुत अच्छी बात है सर, पर ऐसे सवाल आते नहीं है,
बहुत से लोग बच्चों को इम्प्रेस करने के लिए बढ़िया सवाल कराते हैं, हम भी कर सकते हैं भाई, एक क्लास दे दो हमको दो घंटे की, एक क्लास दे दो हमको दो घंटे की, इम्प्रेस कर देंगे। बट इम्प्रेस नहीं करना है हमें आपको, हमें आपका सिलेक्शन चाहिए। तो कहीं से भी भटकना नहीं है, कहीं अचानक से मिल गया अलग सर ऐसा नहीं पढ़ा रहे, ये वाले सर बहुत तगड़े क्वेश्चन करा रहे हैं, सर नहीं पढ़ा रहे क्योंकि हाथ बांध के चल रहे हैं, आपको इम्प्रेस नहीं करना चाहते सर इसलिए नहीं पढ़ा रहे, बस इतनी सी बात, हम इम्प्रेस करने नहीं बैठे हैं। तो भरोसा करना पड़ेगा, मैं सारी मेहनत कर रहा हूं तुम्हारे कंटेंट पे, मेरा लेक्चर डिले हो जाता है, कभी डीपीपी वैल्यूड सॉल्यूशन डिले हो जाता है, डीपीपी में टाइपिंग में सब चीजें मान रहा हूं मैं, बट कंटेंट में मैं जी जान से मेहनत कर रहा हूं, मैं एक्सक्लूसिव कंटेंट बना रहा हूं इस बैच का लगातार, जबकि मेरे ऊपर आपकी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर मैं कोई भी पुराने वीडियो से कंटेंट यहां ला के ऐसे फेंक नहीं दे रहा हूं कि मैं यूट्यूब का वीडियो ला के यहां चिपका दिया या यूट्यूब के वीडियो का कंटेंट ला के पूरा दबा दिया। मैं डेडिकेटेड क्वेश्चन, भाई एक कॉन्सेप्ट पढ़ा मैं खुद बनाता हूँ, पढ़ा फिर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चिपकाए, फिर ये इससे मैच कर रहा है, इस टाइम इस तरह के सवाल भी करा देने चाहिए, बाहर के कितने सवाल रखने चाहिए, बाहर का क्या कॉन्सेप्ट पढ़ाना चाहिए, सारी कैलकुलेशन भैया हम कर रहे हैं, तुम रिवाइज करो, तुम हम पे भरोसा करके रिवाइज करो, हम तुम्हें 100% गारंटी देते हैं ये मटेरियल तुमने फॉलो कर लिया, तुम्हारे 43 सवाल होने ही होने हैं, ये हम गारंटी देते हैं। 40 प्लस की तो रिटेन ले लो हमसे और 43 की मुंह बोली ले लो, ठीक है, 3 का थोड़ा इधर मान लो। जो इस बैच में बहुत सीरियसली फिजिक्स को फॉलो किया, मैं बता रहा हूं तुमको 45x45 करके बहुत बच्चे आने वाले हैं इस बैच से, मुझे भरोसा अपने कंटेंट पे, जो बच्चा रिवाइज करोगा पता चलेगा। चलो मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करता हूं, तुम्हें इंपॉर्टेंट चीजें ये बताई कि भटकना नहीं है, भटकना नहीं है, बहुत सारे इधर उधर से सवाल लगाने नहीं है, शेड्यूल को फॉलो करना है, शेड्यूल पे चलना है। और जो बच्चे शेड्यूल में पीछे छूट गए वो कभी ये ना सोचे कि मैं एक महीना पीछे हूं तो हमेशा एक महीना पीछे चलूंगा, नहीं नहीं बेटा, आप 7 घंटे पढ़ रहे हो आप 10 घंटे पढ़ लो, आप 10 पढ़ रहे हो आप 12 पढ़ लो, आप 12 पढ़ रहे हो आप 15 पढ़ लो, बट कवर करो, आपको ये नहीं करना मैं एक महीने पीछे चलूंगा, आपको करंट सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, आपको करंट टेस्ट देना पड़ेगा, आप जब भी ज्वाइन किए हो करंट चैप्टर पे आओ, करंट चैप्टर कंप्लीट करो, नेक्स्ट संडे का टेस्ट अपना टारगेट बनाओ उसको दो, संडे टेस्ट देने के बाद रोज की पढ़ाई पीछे का रिवीजन, रोज की पढ़ाई पीछे का रिवीजन, रोज की पढ़ाई पीछे का रिवीजन, रोज की पढ़ाई पीछे का एक एक टेस्ट टारगेट करते जाओ, हर संडे तुम्हारे 2 टेस्ट, हम लोग के बीच बीच में संडे में छोटे छोटे टेस्ट होते हैं, उस संडे तुम्हारे 2 टेस्ट होंगे, लेट आप हैं हम नहीं, लेट आप हैं हम नहीं, बैकलॉग वाले बच्चों को क्लियर करो, बैकलॉग कैसे करें, बैकलॉग कैसे करें, ऐसे करो, करंट का करते रहो पीछे का निपटाते रहो, करंट का करते रहो पीछे का निपटाते रहो। कड़ी निष्ठा चाहिए होती है, बार बार समझा रहे हैं, कड़ी निष्ठा चाहिए होती है। कल तो मैं अभी नाम नहीं लूंगा, एक स्वामी जी के बारे में पढ़ रहा था, तो वो स्वामी जी एट द एज ऑफ 70 ही वाज स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, I was so impressed by this person. At the age of 70, he was sleeping for 2 hours. क्या तो स्वामी जी हैं? No, he is not a fake Swami ji. He is a modern day Swami ji. He is actually doing work. उनके ऊपर कोई allegations नहीं है. कोई religion का खेल नहीं था. काम spirituality का था, मेहनत का था, business का भी था, कह सकते हो. उन्होंने मतलब एक empire खड़ा किया मेहनत करके. यार लगते हैं लोग, वो 70 साल की उम्र में वो बुढ़ा व्यक्ति लग जा रहा है. 6 घंटे की sleep बहुत है. समझ में आ रहा है? खाना खाते वक्त टीवी के सामने बैठ के खाना खाएंगे नहीं, खाना खाते वक्त रिवीजन नोट्स के सामने खाना खाएंगे, तब सिलेक्शन होगा। बहुत पढ़ लिया 1 घंटा, अब चलो मम्मी पापा से बात करके दोस्तों से बात करके आता हूँ, नहीं भाई बहुत टाइम खराब होगा। बहुत पढ़ लिया है हम 15 मिनट की वॉक करके आए, बहुत पढ़ लिया है हम 10 मिनट की जॉग करके आएंगे, माइंड फ्रेश होगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, फिर पढ़ेंगे। Talk to lesser number of people while your preparation. मैं बहुत सारी टिप्स दे दिया, अब आप पढ़ाई करना स्टार्ट करो। जितने कम लोगों से बेटा बात करोगे उतना अपने काम में डेडिकेट होगे। दुनिया बहुत सी बातें करती रहेगी, लोगों की बातों में इन्वॉल्व हो जाओगे, दिमाग का एक सेक्शन उनके साथ रहेगा, हमेशा इधर उधर की बातों में दिमाग चलेगा, अपने काम से दिमाग भटकेगा। कम से कम लोगों से बात करो एंड बी आर नो बुलशिट पर्सन, मेरा तो ये कहना है बी आर नो बुलशिट पर्सन, दूसरे की बुलशिट लेनी ही नहीं है। यार मेरा ब्रेकअप हो गया, यार मेरे साथ ऐसा हो गया, भाई माफ कर मुझे 6 महीने के लिए, मुझे अपनी जिंदगी बनानी है, अभी तुझे बनानी है, तू भी पढ़ ले 6 महीने, मेरे को बकवास नहीं चाहिए दुनिया की, ये एटीट्यूड बनाना। पढ़ाई करते रहे ऑल द